मैं गुजरात से आया हूँ, आज मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि गांव में भी इस तरह से गौ माता को प्रेम दिखाने के लिए इतनी पब्लिक रात रात भर तक इकट्ठा हो रही है। और जो हमारे भाई है, जो गायक है, उनके लिए जो आजकल कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या देना चाहता हूँ, ये हमारे ओम जी मुंडेल अकेले नहीं है, विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा की टीम इनके साथ है और बजरंग दल के कार्यकर्ता इनके साथ है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस तरह से गौ रक्षा में बाधा डाल सकते हैं, तो मित्रों हमने दीक्षा ली हुई है, हमने हाथ में तलवारें और त्रिशूल अपने कार्यकर्ताओं को दी हुई है, जो ओम जी मुंडेल के लिए तैयार खड़े हैं, दिल्ली इनके साथ जाएंगे, इनका जो मकसद है वो इनके साथ हम पूरा करने जाएंगे। गुजरात से लेकर दिल्ली तक जितने भी कार्यकर्ता है सारे ओम जी मुंडेल के साथ है। और आपको भी मैं अनुरोध करता हूँ भाइयों कि जो भी फफूंद ये फेसबुक पे भुदक रहे हैं, जिस तरह से ओम जी मुंडेल ने कहा है, वो वही लोग हैं जो गौ माता की जमीन पचा लेना चाहते हैं, वे वही लालची लोग हैं। बाकी किसान कौन के बेटे इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। आप देख रहे हो कि इस तरह से आज कितने वर्ष हो गए हैं, आज मेरी तबीयत खराब थी फिर भी मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ ओम जी मुंडेल के लिए। मेरा दिल में दर्द हो रहा था जब मैंने फेसबुक पे देखा मित्रों कि किस तरह से साजिश के तहत आजकल गौ भक्तों को फंसाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले हमारे युवा नेता अमरचंद जी झाझड़ा पे साजिश की गई थी, अब वो साजिश नाकाम हुई है तो एक नया गौ भक्त उन्होंने पकड़ा है। मित्रों 1947 के बाद अंग्रेज जब छोड़ के गए, अंग्रेज हमें दो बहुत बुरी चीज दे के गए जिससे हमें कमजोर हो सकते हैं। आपको मालूम है क्या चीज दे के गए? एक जो आप लोग मारवाड़ी में कहते हो अंग्रेजी बबूला, जो अंग्रेजी बबूले वो, दूसरा जर्सी गाय। हमारे देसी गाय को हमारे खूंटे से अंग्रेजों ने अलग करवा दिया। मित्रों आज से 50 साल पहले हमारे किसी के घरों में डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं हुआ करते थे, पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों के खूंटों पर देसी गाय होती थी और देसी गाय के दूध आपके घर वाले पीते थे और तंदुरुस्त रहते थे। जब ये दवाइयां आई, विदेशी डॉक्टर, तो जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इन्होंने विचार विमर्श किया और कहा कि क्यों हम भारत में सक्सेस नहीं हो रहे, क्यों हमारी दवाइयां भारत में नहीं बिकती है, ऐसे कौन से डॉक्टर है कि वहां के लोग बीमार नहीं पड़ते? तो लोगों ने कहा वहां पे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, आपके MBBS से भी खतरनाक जो डॉक्टर है वो है वहां की देसी गाय, जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है। आपको पता है मित्रों, सिर्फ धार्मिक पद्धति से भी नहीं, हम अगर वैज्ञानिक पद्धति से भी देखेंगे तो हमारी जो गाय है वो किसी MD डॉक्टर से कम नहीं है। हमारी गाय में जो दूध निकलता है वो A2 मिल्क निकलता है। क्या आपको पता है दुनिया में दो तरह के दूध होते हैं, एक A1 मिल्क होता है और एक A2 मिल्क होता है। आज विश्व के लंदन और अमेरिका जैसे देशों में जहाँ जवान माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाना जल्दी से छोड़ देती है तो उन्हें बेबी पाउडर पिलाया जाता है, और वो बेबी पाउडर पता है आपको किससे बनता है? भारत की देसी नस्ल की गाय से, A2 मिल्क से वो पाउडर बनता है, और वही पाउडर डॉक्टर वहां के सजेस्ट करते हैं। मतलब आज अंग्रेजों को हमारी देसी गाय की कीमत पता चल गई है, लेकिन हमें कीमत नहीं पता है, हमने उसे खूंटे से ताड़ दिया है। कितने दर्द भरी का आज कितनी दर्द भरी आज हमारी जो हालत हो रही है गौ माता की, और उसको बचाने के लिए आज ओम जी मुंडेल जैसे गायक हमारे यहाँ बीच में जनता के बीच में उतरे हैं ताकि आपकी नस्ल सुधारी जाए। इनका कुछ नहीं जा रहा मित्रों, इन्हें पता है हमारी नस्ल खराब हो रही है। आज देख रहे हो जवान जवान लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, जवान जवान लोग बीपी के मरीज हो जाते हैं। ओम जी मुंडेल को पता है अगर हमारी देश की नस्ल को, हमारे देश को सुरक्षित करना है तो देसी गायों को सुरक्षित रखना होगा। मित्रों आपकी आने वाली औलाद की सुरक्षा के लिए ये बंदा रात दिन गा रहा है, आपकी आने वाली औलाद की सुरक्षा के लिए ये मित्रों ये गायों को बचा रहा है। और कुछ लोग जो है फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। मैं आपके माध्यम से उन सारे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ, ओम जी मुंडेल और अमरचंद जी झाझड़ा जैसे लोग अकेले नहीं है, उनके साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की टीम साथ खड़ी है, और गौ माता को बचाने में हम उनके साथ रहेंगे, और आप लोगों की साजिश हम नाकाम करके रहेंगे। बस ज्यादा मैं समय लूंगा नहीं क्योंकि ये धार्मिक जागरण है। अस्तु, भारत माता की जय, जय हिंद। 5100 रुपए शंकर जी, आसाराम जी, रीणवा, मोड़ी खुर्द।